भोरी मोहल्ला बोलते हैं। और 100 साल पुराना है। हाँ, अभी तो लुक चेंज हो गया इसका, पर पब्लिक चेंज नहीं हुई, पब्लिक वही है। पब्लिक वही है, रोज खाएगी लेगी घूमेंगी, फिर इसके बाद भी वापस। मावे वाला स्पेशल मालपुआ है अपने पास, ड्राई फ्रूट मालपुआ, ड्राई फ्रूट मालपुआ, नटेला मालपुआ, कैडबरी मालपुआ। टाइम दिख रहा है मुझे ऐसा, टाइम में ओनली अमृतसर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ओनली अमृतसर आइटम तवा गोश्त, चिकन गार्लिक है। तार का समझ में पहली बार सुना हूँ यहाँ पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, खुद आप सब भी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। मोहम्मदी रोड के बाद मैं आ चुका हूँ। हमारा जो सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीट लाइन फूड है ये भेंडी बाजार का, सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीट फूड यहाँ पे इफ्तार के मामले आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा गर्दी है। बहुरी महिला जब हम पूरा कवर करेंगे, 100 ईयर ओल्ड है ये पूरा इफ्तारी के मामले में। और यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टॉल मिलेंगे, जितने भी सारे स्टॉल एकदम बड़े बड़े स्टॉल है, और इतने सारे वैरायटी के आपको यहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलने वाले हैं ना। बस आप देखते रहो व्लॉग को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा क्रेजी व्लॉग होने वाला है ये। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं औरंगाबाद से यहाँ पर आया हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करके जाना, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अपन इसके बाद मोहम्मद रोड का, अगर आपने नहीं देखा व्लॉग, यहाँ पर आई बटन पर आ रहा हूँ। तो वे और बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है ये इफ्तारी के मामले में, सबसे ज्यादा फेमस मार्केट है ये। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत सारे ऐसे स्टॉल भी है छोटे छोटे जो आपको मिलेंगे, आपके देखेंगे। और यहाँ पर देख रहे स्टॉल है। सलाम वालेकुम भाई, रमजान क्या है आपका नाम? तो अपने स्ट्रॉबेरी क्रीम है और वैनिला क्रीम है, मिक्स फ्रूट ड्राई फ्रूट विद ड्राई फ्रूट, और टॉपिंग में जेली देते हैं हम लोग। टॉपिंग में जेली देते हैं 100 रुपीज ओनली, ओनली 100 रुपीज, 200 ग्राम। एक पूरा बॉक्स आएंगे, 4 फ्लेवर है, तीन फ्लेवर है। फर्स्ट टाइम दिख रहा है मुझे, अमृतसर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। सही है, चलो आप घर के पास आना, शब्बीर तवक्कल के सामने आप लगा दिया कह रहा हूँ यहाँ पे। और रात को हम लोग खड़े होते लाम होटल के पास, लाम होटल के सामने खड़े होते स्टॉल है। ओके सही है, चलो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स कटिंग भी मिल जाएंगे आपको, फ्रूट्स कटे हुए ऐसे पाउच बना के रखते हो। कितने कितने रुपए कॉस्ट है इनका, ये कितने रुपए का है? सब 20-20 रुपए के। हमें जाना है सबसे फेमस स्टॉल है यहाँ पर, नूर स्वीट्स बोल के, और काफी ज्यादा फेमस स्टॉल है। और ये फानस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, फ्रूट तो दे सकते हो, ये फानस है, बढ़िया दिख रहा है खाने के अंदर, अच्छा रहता है। आप लोग भी आ जाओ, रमजान मुबारक आपको, आपको भी बहुत बहुत रमजान। क्या नाम है आपका? फैसल खान नाम है। इधर रहते हो क्या आप? हाँ, इधर ही बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में रहते हो क्या? बॉम्बे रोड पर रहते हो। रमजान के लिए तो कितनी बहुत ज्यादा पब्लिक कम है, फेमस है भोरी मोहल्ला बोलते हैं। 100 साल पुराना है। हाँ, अभी तो लुक चेंज हो गया इसका, पर पब्लिक चेंज नहीं हुई, पब्लिक वही है। रोज खाएगी लेगी घूमेंगी, फिर इसके बाद भी वापस। हाँ ठीक है। और हमें आना था नूर स्वीट सेंटर के ऊपर, जो यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस नूर स्वीट सेंटर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये सर जी है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, रमजान मुबारक आपको। रमजान मुबारक आपको भी भाई। रमजान स्पेशल में क्या क्या आइटम, हमने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुने हैं, नूर स्वीट्स के बारे में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखे कि आपके पास काफी ज्यादा वैरायटी रहती है स्वीट्स के अंदर, और मालपुए के अंदर काफी ज्यादा वैरायटीज है आपके पास। तो आप लेट मी एक्सप्लेन, मालपुए के अंदर अपने पास नॉर्मल जो रेगुलर मालपा रहता है वो मावे वाला स्पेशल मालपा है आपके पास? यस। और उसके साथ में अपने पास है ड्राई फ्रूट मालपा, नटेला मालपा, कैडबरी मालपा भी है। कैडबरी मालपा हम लोग दे सकते हो, सब बना के देते हो जब का जब भी। वहाँ पे पूरा स्वीट्स है, वहाँ पे पूरा स्वीट है, आप जाके और जस्ट आप एक वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, शॉट ले सकते हैं। अलग अलग स्पेशल क्या है? जलेबी है अपने पास, ये जलेबी है, ये हमारा ट्रेडमार्क जलेबी है, गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी जलेबी, क्रिस्पी जलेबी टेस्टी रहेगा। वेरी नाइस। पर आपका जो प्रोफेशन है एक बार बोल डाले, आप क्या क्या है, डॉक्टर भी हो, सर भी हो, प्रोफेसर भी हो, कैसे मालूम पड़ा? वो हमने यूट्यूब के ऊपर देखे थे आपको। बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रोफेसर, कॉलेज के अंदर मेरा जो कॉलेज का टीचिंग रहता है, हाँ, अकाउंट वगैरह सीए सिखाता हूँ मैं। अच्छा, और ये मेरा फैमिली बिजनेस है। ये आपका फैमिली बिजनेस है क्या? और कितने साल हो गए इसको? आप देखिए वहाँ पे, दिस इज 101 इयर्स गोइंग, 101 इयर्स गोइंग, स्टार्टिंग फ्रॉम 1922 से स्टार्ट हुई थी ये डूड। और आप लोग देख सकते हो 101 साल पुरानी है, 101 साल चालू है सेंटर को, आप पुरानी है ये पूरा भौरी मोहल्ला उतना ही पुराना है ये? नहीं, भौरी मोहल्ला उतना पुराना नहीं है, भौरी मोहल्ला में तो बहुत सारी दुकान आई गई, पर ये जो हमारे
ग्रैंडफादर है आपके, उसके टाइम से हमारा ये बिजनेस मिठाई का चालू है। अच्छा, फोर्थ जनरेशन। आपकी फोर्थ जनरेशन है ये स्वीट्स के ऊपर? स्वीट्स के ऊपर, और एक ही जगह पे अपना शॉप है। एक ही जगह पर शॉप है, चेंज। अच्छा, फिरनी से मतलब? फिरनी भी है। हाँ, फिरनी भी है, फिरनी भी आप देख सकते हो। फिरनी में काफी ज्यादा वैरायटी इनके पास। ये चॉकलेट फिरनी, ओरियो फिरनी, ओरियो फिरनी, ये पिस्ता फिरनी, मैंगो फिरनी, मैंगो फिरनी, ये पिस्ता फिरनी, और ये चॉकलेट। इतनी फिरनी के अंदर मैं इतनी ज्यादा वैरायटी कभी नहीं देखा हूँ। फिरनी का ये 60, 70, 80 और चॉकलेट 80 का है क्या? ओके ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कपड़ा। ये मालपुर का उनका स्पेशल मेन्यू है। इसके अलावा ये वाला कुछ स्पेशल दिख रहा है, ये स्पेशल आइटम दिख रहा है, क्या नाम है इसका? पान मलाई 1200 रुपए किलो। पान मलाई 1200 रुपए किलो है, मस्त रहेंगे एकदम टेस्ट खाने में। आप इधर से लेके जाते हो क्या? लेके जाते हो, बहुत सारा लेके जाते हो। लेके जाता, कहाँ से आते हो आप? बेगान मुबारक आपको, किसी में बेटा लेने के वास्ते आएगा। कहाँ से आए हो आप? ग्रैंड रोड से आए हो आप? ग्रैंड रोड कितनी ज्यादा दूर है और यहाँ पर आए हो? बहुत बोरी मोहल्ले के कितनी ट्रैफिक वो है उसको झेल के यहाँ पर आ रहे हो। नोट स्वीट सेंटर के ऊपर तो काफी ज्यादा फेमस है ये, आप लोग सब समझ गए कहाँ से आए हो। ये पूरा लगा है अंदर कांच के अंदर, शोरूम के अंदर आप लोग देख सकते हो। ये रोस्टेड दूधी हलवा है, देसी घी में, देसी घी में। ये भी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, 540 रुपए किलो। बहुत काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है, और ये पूरा यहाँ पे सिर्फ भारी लोगों का मार्केट है, और यहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रीट फूड इतने मिलेंगे ना। क्या है अंकल ये? शामी कबाब। शामी कबाब है क्या? कितने रुपए कॉस्ट है? 30 रुपए का। 30 रुपए फिर तवक्कल बोल के सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ की, ये सबसे ओरिजिनल सबसे बड़ा फेमस स्टॉल है। तो अपन ये आज कवर करेंगे और इसके अंदर देखेंगे इनके पास कितनी ज्यादा वैरायटीज है, खाने के अंदर क्या क्या स्पेशल है इनके पास, स्पेशल में क्या क्या आइटम है। अपना रोल है, बेहतर होती है, नाचा है, भेजा है, कुर्ता है, ये सब मिल जाएगा, ये सब अवेलेबल है। और इन सबका कितने रुपये कॉस्ट है? ये 80 है। कितना 80 है? 80-70। और नान चाप लीजिएगा, भेजेगा, भेजेगा नान चाप नहीं, भेजा 400 रुपया पहले थे, भेजा 400 रुपये। और ये चिकन रोल 70 रुपया है क्या? आप लोग देख सकते हो इनका इसका पूरा ड्रेस भी बना हुआ है। आपके पास चिकन टिक्का, मलाई टिक्का सब है, मलाई टिक्का सब है। कितने रुपए कॉस्ट है उसका प्राइस? उसका कॉस्ट चिकन टिक्का 150 का है, 150 का है, मलाई टिक्का है 150। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थाई चिकन टिक्का है, मलाई टिक्की है, सब 140 ये 130 वो मलाई 150 सही है। और काफी ज्यादा पुरानी स्टॉल है एकदम, कितने साल हो गए आपको ये स्टॉल? बहुत दिन हो गए 10 साल हो गए। और यहाँ पे आपको फ्रूट के गार्डन ढेर सारे, आपको यहाँ पर फ्रूट भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे सब भाई। और इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर पैकेट के अंदर। अंकल ये क्या आइटम है, क्या चीज़ है? पत्ते का भजिया है क्या? कितने रुपये कॉस्ट है इसका? 30 रुपये। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा मैं पत्ते का भजिया। और इसके अलावा और क्या है? समोसा है खट मीठा समोसा है, कोथिंबीर बड़ी है, अलग अलग प्राइस है सबका 100 ग्राम 30 रुपए का है। अच्छा, चिकन कटलेट 30 रुपए का है, मटन कटलेट 30 रुपए का है, 30 रुपए का समोसा 15 रुपए का है, 15 रुपए वाला भी है, छोटा समोसा 35 रुपए का 100 ग्राम है, 35 रुपए का 100 ग्राम है, 30 रुपए का 100 ग्राम है। ये मुश्ताक भाई ओनर है, लिबर्टी पसंद है। जब से आते हो गए आप रमजान मुबारक आपको, आपको भी बहुत मुबारक। ये अलग स्पेशल है अपना, यहाँ का स्पेशल है। क्या नाम है इसका? पत्रवेणी है। 70 रुपए कॉस्ट है इसका? 400 रुपया किलो है, 400 रुपया किलो है। काफी ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया एकदम बढ़िया। इसके अलावा आपको यहाँ पर लगड़ा, आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, मोहम्मद रोड के पर अपने ट्राई करे थे, और आपको ये तो यहाँ पर ही मिल जाएंगे वो। और अंदर देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे तो मोजिटो भी अवेलेबल है, मिल जाएंगे तो। और ये देख लो आप लोग, ये इनकी फरहान स्वीट सेंटर बोल के दुकान है, काफी ज्यादा वैरायटी दिख रही है। देखो रमजान स्पेशल में अंकल कौन से आइटम है अपने पास? भाई हमारे पास कॉर्न वड़ा है, कीमा पैटीज है, कीमा पैटीज है, बारबेक्यू समोसा, बारबेक्यू समोसा, चिकन बारबेक्यू, चिकन बारबेक्यू,
ये सब खत्म हो गया यहाँ पे, दाल के समोसे सब खत्म हो गए। ये सब दाल के समोसे, चिकन समोसे, दाल के समोसे मैं पहली बार सुना हूँ यहाँ पर, और मुझे बहुत ही मिले मिला, लेकिन वो खत्म हो गए, मुझे देखते तो नहीं मिले। दाल के समोसे कितना रुपए कॉस्ट है? 10 रुपीज पर पीस, 10 रुपए पर पीस। ये सब ही सबका प्राइस अलग अलग, सबका प्राइस 20 रुपीज। अच्छा, हमारे स्पेशल में कौन से आइटम्स है? चिकन लजानिया, चिकन चीज फ्राई, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन फ्रेंच ब्रेड, ये सब। ये देख लो अभी, ये जितने भी बेक्ड आइटम, दीज आर ऑल बेक्ड आइटम, दीज ऑल दीज बेक्ड आइटम। सब कितने पे कॉस्ट है इसका? 60 है, 120, 150, 300, सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। चलो यहाँ पर देख सकते हो, मुझे कोई कहीं नहीं दिखा, पूरे मोहम्मदी रोड पर भी, हाउसिंग गेट पर भी, अपने औरंगाबाद में भी, और मुझे बहुत ही महीने के ना मुझे यहाँ पर मिला है पास्ता। पास्ते का कितना रुपये कॉस्ट है अंकल? 60 कॉस्ट है क्या? एक उसके अंदर आएगा डब्बे के अंदर, ये वाला डब्बा आता है 60 रुपीज़। और इसके अलावा और क्या अपने यहाँ फेमस? स्पेशल में ये पूरी आपकी स्टॉल है क्या? यहाँ से पूरी इनकी स्टॉल है, और एक नंबर फ्लेवर कॉटेज, एक नंबर खाने का। ये मुर्गी है, सॉस वाली मुर्गी है। कितने रुपए कॉस्ट है इसका? 350 रुपए, पूरा खम्बा, पूरी अखी मुर्गी है। और ये सब क्या है? ये तवा गोश्त है, चिकन गार्लिक है, चिकन गार्लिक है, ये चिकन कटलेट, चिकन गांडे। सबका प्राइस? सब 50 रुपए का, सब 50 रुपए का, ये 20 रुपए का, 30 रुपए, ये 30 रुपए, ये भी सब 30 रुपए, और ये 20 रुपीज, 10 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, सही है। और देख सकते हो आप इधर भी, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी स्टॉल है। उसके बाद ये क्या है अंकल? डेजर्ट है, ड्राई फ्रूट डेजर्ट। कितने रुपए कॉस्ट है इसका? 100 रुपीज, 100 रुपीज। फालूदा भी है, फालूदा एकदम मस्त है। कितने रुपए कॉस्ट है फालूदे का? कितने रुपए प्राइस? 20 रुपया जाके ऐसा बना देने का। इसका भी इंटरव्यू लो, आ जा भाई, यहाँ से पूरा चोर बाजार स्टार्ट हो जाता है। इधर साइड जो चोर बाजार बढ़ता है, इधर पूरा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और इधर साइड भी बॉडी मॉल उधर साइड है। न्यू मदर का कवर कर लिया हो, और मैं रात में चोर बाजार के अंदर नहीं आया था, और अभी ऑलमोस्ट सारी दुकानें पूरी उड़ जाती है। बस ये जो यहाँ पे जो स्टॉल रहती है इनकी, नहीं मैं इनकी जो हमेशा रहती है स्टॉल वो रहती है, तो जो चोर बाजार जो असल जो भरता है, तो आज जुम्मे के दिन भरता है पूरा नो स्वीट सेंटर, और उसके उसी के वहाँ पर भी है बहुत सारा मार्केट है, लेकिन इधर साइड पर तो मैंने पूरा कवर कर लिया, ऑल जितने भी थे फेमस स्ट्रीट फूड, वो मैंने सारा कवर कर लिया हो। इतना पूरा मार्केट जितना भी है, सारा 100 साल पुराना मार्केट है ये, और उनकी आप लोगों ने मुझे सुन लिया, उनकी जो स्वीट सेंटर है वो 101 साल पुरानी है। तो अपन चलो चलते हैं, अपन सीधा मुझे जल्दी जाना है मीनारा मस्जिद के पास, वहाँ पर मुझे जाके रोज़ा खोलना भी है, तो इस वजह से रोज़े का भी टाइम हो गया, मुझे भी रोज़ा खोलना है, मुझे भी बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया है। सो गाइस, आज का ब्लॉग अपन यहीं तक रखते हैं, आई होप क्या पसंद आएगा।